वर्षभरानंतर महिला सुरक्षेवर काय उपाययोजना झाल्या आणि काय होणं गरजेचं आहे यावर महिला राजकारणी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या काही प्रतिक्रिया पाहूयात. मैं सोचती हूँ कि इसमें कुछ तो अवेयरनेस बढ़ी है. दूसरी बात यह है कि सरकार भी जागी है और सिविल सोसाइटी भी जागी है. तो पांच चीजें जो बहुत जरूरी होती है, कानून का कड़ा होना, कानून का एग्जीक्यूट पार्ट, एग्जीक्यूशन उसका कैसे हो रहा है, तीसरी बात की उसके अवेयरनेस के कार्यक्रम, चौथे हैं मीडिया की भूमिका और पांचवा सिविल सोसाइटी की भूमिका. मैं सोचती हूँ कि एग्जीक्यूशन के अलावा, एग्जीक्यूशन को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, उसके अलावा चारों ने बहुत अच्छी तरह से काम शुरू किया है. कुछ अवेयरनेस तो रही है और जैसे मैंने कहा जो 181 हेल्पलाइन हमने करी थी उसमें 6-7 लाख फोन कॉल्स भी आए हैं. सिर्फ एक बात है, जुडिशरी को और भी ज्यादा तेजी लानी पड़ेगी अपने जो वो करते हैं, अपनी जो राय देते हैं, जो अपना ऑर्डर्स पास करते हैं. पुलिस को और सतर्क होना पड़ेगा, वो हो रहे हैं, और सोसाइटी को भी ज्यादा. बिल्कुल हालात बदले हैं. देखिए मैं इसमें ये कहूंगी कि जैसा कि अभी शीला जी ने भी कहा आपको कि केसेस दर्ज होने लगे, इसलिए आपको लगता है कि डेटास बढ़ गए, लेकिन अवेयरनेस आई है इसलिए केसेस दर्ज हो रहे हैं. सबसे बड़ा कारण नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन हमने बताया है, जो सिर्फ स्टेटमेंट देता है और इंक्वायरी करता है लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं आती. जितने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ आके टीवी पे बोल रहे हैं लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं दिख रहा है. एक साल बाद भी महिलाओं की कंडीशन वैसे ही, क्राइम बढ़ता हुआ है और वैसे ही बेकार बनी हुई है. जी 24 तास एक पाउल पुढ़े.